सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है वर्क फ्रॉम होम की। घर बैठ के आपने काम करना है और एक अच्छा सैलरी पैकेज भी दिया जा रहा है और बिग कंपनी में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो डिटेल में जानते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या जॉब रोल होगा आपका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, पैकेज कितना मिलेगा और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में हम आपको टिप्स भी बताते हैं कि कैसे इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है। तो डिटेल में जानते हैं इस जॉब के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग से किसी की हेल्प हो सकती है। तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में और इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है, ये नेक्स्ट वेव कंपनी के द्वारा निकली है। नेक्स्ट वेव कंपनी जो है इंडिया की फास्ट ग्रोइंग एड टेक स्टार्टअप कंपनी है। नेक्स्ट वेव कंपनी जो है ऑफिशियल पार्टनर है NSDC की, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है और रिकग्नाइज बाय NASSCOM है। तो एक बड़ी कंपनी में आपको ये काम करने का मौका मिल रहा है और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें हम जान लेते हैं जॉब रोल क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जॉब रोल की बात करें तो इसमें आपका जॉब रोल होगा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें, अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर्स हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो और भी डिटेल इंफॉर्मेशन हम जानते हैं इस जॉब के बारे में, स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कैसे अप्लाई भी करना है और क्या और रिक्वायरमेंट्स है इसकी, वो भी हम जान लेते हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो भी जान लेते हैं। और सैलरी पैकेज की बात करूं तो इसमें आपका सैलरी पैकेज 6 लाख का होगा साल का, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए 50,000 पर मंथ। तो बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है और एक बड़ी कंपनी में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, तो हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस जॉब रोल के बारे में। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे देखिए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट वर्क फ्रॉम होम की है। तो अगर आप तमिल, तेलुगु, हिंदी में से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए, बट हाँ, इसमें आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए किसी भी एक लैंग्वेज में, तो आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वेव कंपनी के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, और यहाँ नीचे आएंगे तो कंपनी क्या देख रही है वो ये बताया गया है कि इंडिविजुअल विद एक्सीलेंट तेलुगु कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब तेलुगु हो या तमिल हो या हिंदी हो, किसी में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाईली डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हु आर हार्डवर्किंग चाहिए, वो सारे कंपनी को बेसिकली चाहिए होता है। और सेल्स माइंडसेट होना चाहिए, मतलब कि इनके नेक्स्ट वेव में कंपनी में जो कोर्सेज हैं वो आपने बेसिकली स्टूडेंट्स को बताने हैं, उसके बारे में बताना है, उसके बारे में सेल को क्लोज करना है। तो अगर आपको लीड्स, प्रॉपर लीड्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो वही लीड्स को आपने कन्वर्ट करना है सेल्स में। अगर आप सेल्स में नहीं भी कन्वर्ट करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो है प्रॉपर ये डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी, कंप्यूटर में पूरा आपको बनाना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है, आपका खुद का सिस्टम, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें आपने सारी रिकॉर्ड्स करनी पड़ेगी कि आपने इनसे, स्टूडेंट से बात की और इतना, मतलब कि आपका क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या सेल्स हुई या नहीं हुई, सारी डिटेल्स आपने रखनी पड़ेगी, तभी तो एक अच्छा पैकेज दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए व्हाट विल यू बी डूइंग, ये भी आपको बताया हुआ है कि एक्टिंग एज ए मेंटर एंड गाइड एंड बीइंग सोर्स ऑफ कैरियर एडवाइस, कैरियर एडवाइस भी आप देंगे जो पोटेंशियल लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, काउंसलिंग भी करेंगे लर्निंग प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, कैरियर एडवाइस भी आप देंगे, ये भी आपके सारे रोल्स होंगे। और CCBP 4.0 प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। इफेक्टिवनेस है, यूनिकनेस ऑफ CCBP 4.0 प्रोग्राम जो कंपनी का है वो उसके बारे में बताना है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटायर सेल्स आपने करनी है, फ़ोन से कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग आपने मेल से, जो भी आपका मीडियम है आप अपने आप कर सकते हो, तो उसके थ्रू आप सेल्स भी क्लोज करोगे तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा और कंपनी को भी बेनिफिट होगा। डिटेल डाटाबेस आपने बताना है जो मैंने आपको बताया है, और वीकली रेवेन्यू एंड इनरोलमेंट टारगेट्स आपको छोटे दिए जाएंगे, वो आपने पूरे करने हैं, जो कि कोई मुश्किल नहीं होता है क्योंकि एक रिप्यूटेड कंपनी है, इसके कोर्सेज सारे स्टूडेंट्स लेते ही हैं। अब लैंग्वेजेस आपको बता दिया है, तेलुगु, तमिल, हिंदी में से कोई भी आना चाहिए, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश में बात करते हैं, तो अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो वो एक ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें देखिए वर्किंग डेज आपके जो होंगे, वर्क फ्रॉम होम है करेंटली, और फ्लेक्सिबल टाइम होगा आपका 6 डेज इन ए वीक आपने काम करना है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो है
6 लाख पर एनम होगी। और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है, तो आप ये चेक कर सकते हैं, जब ये इंटरव्यू के बारे में आप इसमें सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे अप्लाई विद रिज्यूम, रिज्यूम आपने यहाँ पे डालना है अपना, जो अपडेटेड रिज्यूम डालेगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, और अगर आपका कोई सोशल नेटवर्क का कोई लिंक है जिसमें आप अपना प्रोफाइल शो करना चाहते हो वो भी आप शेयर कर सकते हो, एम्प्लॉयर आपका प्रेजेंट या पास्ट वाला एम्प्लॉयर कोई है वो आप शेयर कर सकते हो, एजुकेशन अपनी शेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एज भरनी है, एज भरने के बाद आपने जेंडर बताना है और कौन सा कोई कोर्सेज आप प्रश्योर कर रहे हो तो वो आपने बताना है, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने बताना है, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे शेयर करना है, और CTC आपकी अगर कोई कंपनी में अगर चल रही है फ्रेशर हो, या फिर आपका प्रेजेंटली आप कितना ले रहे हो सैलरी तो वो आपने बताना है, तो इन विच लैंग्वेजेस डू यू पोसेस फ्लुएंसी वो आपने बताना है, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट वे कंपनी में कभी काम किया वो आपने बताना है, तो आपने कभी कोर्सेज नेक्स्ट वे कंपनी से किए हैं तो वो आपने बताना है येस और नो में, तो यहाँ पे टिक मार्क कर देना आई एम नॉट ए रॉबर्ट, उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है HR जो है वो स्क्रूटनाइज करेगी, आपका रिव्यू करेगी आपके एप्लीकेशन को, और उसके बाद आपका टेलीफोनिक राउंड होगा। टेलीफोनिक राउंड में आपका चेक किया जाएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो इस जॉब में, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स चेक की जाएगी, तमिल तेलुगु हिंदी में आप कितने फ्लुएंट हो वो आपका चेक किया जाएगा। तो उसके बाद जो है अगर सिलेक्शन हो जाती है तो फिर फाइनल राउंड होगा जिसमें आपका पैकेज डिसाइड किया जाएगा, और साथ में आपकी ट्रेनिंग भी होगी। ट्रेनिंग होने के बाद फिर जो है आपका काम शुरू हो जाएगा, और आपने धड़ाधड़ अगर आपने कैरियर एडवाइस देनी है, स्टूडेंट्स को कैरियर एडवाइस देनी है, सेल्स करनी है, जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस अच्छी देते जाओगे तो आपकी जो है सैलरी भी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट है इस जॉब से रिलेटेड या और किसी जॉब से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हिचकिचाना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप जॉब रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूं। तो ऐसी जॉब रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड वीडियोस और भी आती रहेंगी, आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, किसी की हेल्प हो सकती है आपकी एक शेयर से, और किसी की जॉब लग सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड वीडियोस और भी आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए।